देखते रहिए UBN 08 गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। आज रविवार को खाद मिलने की आस में बैठे किसानों को खाद मिलते नहीं दिखाई दिया तो किसान कलेक्टर के निवास पर पहुंचे और अपनी व्यथा बताई। कलेक्टर के निर्देश पर किसानों को खाद उपलब्ध कराई गई। मौके पर तहसीलदार पहुंचे। लगभग 131 किसानों को 6-6 बोरी प्रति किसान के हिसाब से खाद वितरण किया गया। आज 2 ट्रक खाद मंडी के गोदाम में आया, वितरण भी किया गया तथा 1 ट्रक यूरिया और आने पर उसका भंडारण किया गया। देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी देखते रहिए। बोलो बोलो बोलो। अजब सिंह के बाद दिनेश प्रजापति। अजब सिंह बोलो। दिनेश प्रजापति जो इनके नीचे खड़े हो जाना, जिसका नंबर होगा मिल जाएगी। क्यों पे बस जो भी अंगूठा नहीं मिल रहा उन्हें नहीं दे रहे क्या? नहीं दे रहे। नहीं दे रहे? और जिन उसको भाई वगैरह का आ रहा उसको नहीं बदले में? भाई को क्या होता है, आज अपने अभी स्पेशल खोली है और जो नाम लिखे हैं उन्हीं को देंगे ना, वो आ जाए उसको दे देंगे। उन्हें उसका अंगूठा नहीं मिल रहा तो अंगूठा नहीं अभी किसी को नहीं दिया मैंने। मतलब अंगूठा नहीं मिला तो नहीं देंगे? हाँ, किसी को भी नहीं दिया मैंने। चलो तो लास्ट में अपन देख लेंगे अगर ऐसा कुछ होगा। बाकी अभी पहले जो लोग हैं उनको निपटा, ठीक है। देखते रहिए UBN 08। बड़ी खबर आ रही है, सहायक शिक्षक परमार सिंह रघुवंशी जनजाति छात्रावास शाखा पर पदस्थ हैं अशोकनगर में। आज उन्होंने होटल सम्राट में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, न्याय की गुहार में सहायक शिक्षक परमार सिंह रघुवंशी विगत कई वर्षों से विभाग के बाबुओं से निवेदन कर चुके हैं कि मेरी सेवा पुस्तिका को सही किया जाए और न्याय दिलाया जाए। ईमानदारी से काम करना ही मेरी सजा बन गई है, अभी तक मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, मैं कहां जाऊं, मीडिया ही मेरा सहारा बन चुकी है। देखते रहिए UBN 08 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं सहायक शिक्षक हूँ परमार सिंह रघुवंशी जनजाति कार्य विभाग अशोकनगर में ऑफिस में पदस्थ हूँ अभी छात्रवृत्ति शाखा पर। तो ये कुछ मेरी पुरानी समस्या है जो अधिकारी हमारे श्री विवेक नागवंशी जी हल करना चाहते हैं, लेकिन बाबू मेरी नोट शीट नहीं बढ़ा रहे हैं, ये हालत है। सीओ हमारे 20-25 साल से देख रहे हैं ईमानदारी से काम करते हुए, वो भी सहयोग नहीं करना चाह रहे हैं और ना 3-4 साल से पदस्थ ये साहब भी हैं, वो थोड़ा चाहते हैं और फिर कभी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनकी गलती रही है। जैसे कि मेरी वेतन वृद्धि रुकवाना, सेवा पुस्तिका में नकारात्मक टीप है, रिटायर्ड हो गए पहले BL परमार जिला संयोजक को लगवा गए सम्मान से। हर बार बाबू अच्छी तरह जानता था कि आदमी ईमानदार है, फिर भी मेरी सेवा पुस्तिका में ऐसी टीपें लगा दी कि आज मेरी मान लीजिए मौत हो जाती तो मेरे बच्चों की अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं होगी। ऐसी टीपें जो है मुंगावली के हेडमास्टर विपिन श्रीवास्तव जो कामचोर भ्रष्ट हैं उन्होंने उनकी शिकायत पर और बालीश्री भगत चाड़ोरा अधीक्षक की शिकायत पर मेरी सेवा पुस्तिका में नकारात्मक टीपें लगा रखी हैं। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि ये टीपों को हटवाएं। अब हटें कैसे टीपें, बाबू नोट शीट बनाने तैयार नहीं, अधिकारी समस्या हल करने तैयार है लेकिन जो है ऑफिस में मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा। इसी प्रकार से जब मैं मुंगावली में मार थे बाबूलाल बहुत शिकायत वहाँ पर गए थे मुंगावली निरीक्षण पर, तो मेरे को बुलवाया और मैंने कहा कि बच्चे जो है रेस्ट में भूखे रहते हैं, ये शिकायत की तो वहाँ के अधीक्षकों ने रमाशंकर जाटा विपिन श्रीवास्तव जलील मोहम्मद बाबूलाल अरवार और 2 महिला हैं, एक महिला रेखा परिवार के बेटे और भाई से मुझे इतना पिटवाया है कि आज तक मेरी 4 साल हो गए गंभीर चोटें हैं। इसके बाद उससे फिर मैं न्याय पाने के लिए चलता रहा, तख्ती लेके मुंगावली में चलने लगा तो मेरे सारे अधिकारियों ने मना किया कि तख्ती मत लो, लेकिन तख्ती यदि मैं मुंगावली में नहीं लेता स्कूल जाते आते में तो वो लोग मुझे मरवा देते।